गर्मा गर्म पोहा विद नमकीन। ठंडी लग रही बेटा? ठंडी का मौसम है तो ठंडी लगेगी। ताई मम्मी में से, पापा में से और मौसी में से, तो मौसा में से डांटता कौन है सबसे ज्यादा? पापा। पापा डांटते? मौसी मौसी डांटती है, प्यार भी करती है, दोनों काम करती है। ओके पति देव मेरे कपड़ों पे सिलाई डालते हुए डल गई। पूरा अस्तर आ गया, अस्तिन में नहीं डाल ली थी, अस्तिन में तो वो सही थी। इतनी प्यारी सी धूप आ गई है और यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं, कपड़े धुल गए थे और ये डालना है मेरे कपड़ों पे सिलाई, क्योंकि मेरे को ये कुर्ती पहननी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, आज मैं ये वाली कुर्ती पहनूंगी। यस ब्लू ब्लू है ना, ये जो कुर्ती है ना ये मम्मी ने दिलाई थी मेरे को रुद्रांश की दादी ने, ये देखो बहुत सुंदर सी लगती है। हाँ हाँ बस सबने खा लिया बिस्किट है, ये देखो आज ये वाली कुर्ती पहनेंगे। कपड़ा वही होगा मौसी, देखो रेडी हो रही है काजल आजल लगा के। टोपा चाहिए आपको? हम लोग रेडी हो गए। साइड हो मेरे को, जगह दे मैं भी दिखाऊंगा अपने आपको। अरे साइड दे मेरे को, देखो हम लोग रेडी हो गए हैं। कहाँ जाने के लिए हुए इसने? हाँ हम लोग हो गए हैं रेडी कुतुब मीनार जाने के लिए। और ये देखो अपने अलग ही रोल में है जी हाजी, जब जाते हैं तभी कुछ दिक्कत होती है। देखो आप सही दिख रहे हो, दिख रहे? अच्छा दिख रहा हूँ, सही दिख रहा हूँ, मैं भी सही दिख रही हूँ। देखो बज रहे हैं 12। क्यों ठंडी लग रही? नहीं उसको नहीं पहना बेटा, वो छोटा है बहुत। चलो नहीं उसको नहीं पहनना। आओ कैप पहने बिटू, सुबह हम लोग निकलते हैं कुतुब मीनार घूम के आते हैं। आज है संडे और ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, चलते हैं। पति देव सबको पेट भर, मेरे को भी दो ना वन पीस, मेरे को भी दो। ये गए हुए थे आगरा अभी, कितने 2-3 दिन हो गए ना। हाँ ये आगरा गए थे अकेले, अपनी मतलब जो ऑफिस की टीम है ना उसके साथ में गए हुए थे, मुझे लेके नहीं गए हुए थे। सो ये पेठा लेके आए हुए थे, मस्त अच्छा है, टेस्टी सा है पेठा, पंछी पेठा, हर जगह पंछी पेठा मिलता है आगरा में तो। सो ये एक ही डिब्बा लेके आए थे, ये देखो फिर से खाने लग गए, फिर से क्या सुन रहे, चोटे की फोटो निकाल रहे हैं। अच्छा हम लोग पहुँच गए हैं कुतुब मीनार। पापा आज इंडिया गेट करेंगे, बस हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं एंड फिर उसके बाद हम टिकट लेंगे और फिर अंदर जाएंगे ना। 4 टिकट, चलो फाइनल टिकट बनेंगे। हम लोगों ने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है और टिकट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था क्योंकि हम लोग कैश लेके नहीं आए थे और यहाँ पे ना कैश से होता है, मतलब कैश की टिकट मिलता है, वैसे तो ऑनलाइन भी मिल जाता है बट कैश से लोगे ना तो खुद से नहीं हो जाता है, तो हम लोग कैश लेके नहीं चले थे घर से। बट फिर मेरे गया जैसे तैसे वॉलेट में 5 रुपये इधर उधर पड़े हुए थे, फिर रोड क्रॉस करते हैं एंड अंदर चलते हैं घूमने के लिए कुतुब मीनार। चलो अब लगेंगे हम लाइन में क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, टिकट के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी एंड अभी अंदर जाने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सो हम लोग पहुंच गए हैं कुतुब मीनार, अंदर एंट्री मिल गई है जो हमारे है कुतुब मीनार। कहाँ है दिख नहीं रही है पेड़ की वजह से, ये पीछे जो मीनार दिख रही है अभी पास में जाएंगे वहां से दिखाएंगे अंदर, और अंदर को चलते हैं और दिखाते हैं पूरा अंदर का व्यू कैसा क्या है। चलो अंदर चले आ जाओ, आप फोटोग्राफर बन गए हो, आपको आती है फोटो क्लिक करनी? उदास हमारा अभी से फोटोग्राफर बन गया है, फोटो क्लिक कर रहा है। चलो अंदर चलते हैं, इसने आपको देखें पापा मैं आपकी। इतने यहाँ हर जगह पापा बेटे का फोटो सेशन चल रहा है। इधर एक बार तो नहीं सही है, फिर से करो। हाँ वो देख रहे आपको सामने कुतुब मीनार, सेकंड टाइम विजिट कर रहा है इसने, फर्स्ट टाइम आई हुई है। चलो पास से देखते हैं है ना।
खाने। ओए ओए पापा पापा काट लेगी। ये मीनार दो राजाओं द्वारा बनी हुई है, ये आधा शायद किसी और राजा ने बनवाया था, आधा और किसी और ने बनवाया था। तो ये दो राजाओं द्वारा बनी हुई है मीनार। ये देखो ये देखो ये देखो, फोटो सेशन से ऊंची मीनार है। किताबों में पढ़ते थे इस मीनार के बारे में, आज हम इधर मीनार को घूम रहे हैं। देखो बट कुछ नहीं है, ज़्यादा बस मीनार ही है और तो कुछ नहीं है इधर। बाकी बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए, फोटोशूट कर ले जाते हैं, बस मीनार को देख जाते हैं। ऐसे हम लोग आए हुए हैं। चले डे टू, हाउ आर यू? बहुत बहुत सारा घूम लिया है, अब चलते हैं। ओके, और ये सामने में पूरा व्यू दिख रहा है इधर का। यहाँ से हम लोग आ गए कुतुब मीनार घूम के, अब जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सारा हमको भूख लग रही है, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे ना, सो देखते हैं क्या खाते हैं आज हम लोग। सिलेंडर टाइप से और स्नेहा बिल्कुल ही डाउन हो गई है अब एनर्जी बिल्कुल नहीं बची। जब थोड़ा सा खाएगी ना, खाने से जो एनर्जी लेगी तो एक्टिव हो जाएगी। और स्नेहा डाउन होने का नाटक कर रही है। नाटक कर रही है स्नेहा? अरे स्नेहा कुल्हड़ पिज्जा खाएगी जी। कुल्हड़ पिज्जा कैसा? कुल्हड़ पिज्जा यहाँ नहीं मिलता है, जलंधर में मिलता है। अरे वो बनाता तो है। कौन बनाता? वही वो लिखा भी था 100 रुपए का बनाने लग गया। कल भी हमने पिज्जा ही खाया था। नहीं तो हम लोग सोच रहे हैं अभी या तो क्या छोले भटूरे खाएंगे या डोसा खाएंगे, वो वहीं जाके ठेले पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ठेले वाली चीज में ज्यादा टेस्ट रहता है। क्यों? और क्या? क्योंकि वो आंखों के सामने भी बनता है ना, तो देखते भी रहते हैं और खाने में भी। पक्का? फाइनली हमारा डिसाइड हो गया है कि हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने के लिए। आ रही है? बटर डोसा। बटर डोसा, हम लोग खाने वाले हैं डोसा, क्योंकि थोड़ा डोसा हेल्दी उसमें आ जाता है ना, तो डोसा खाएंगे और चलते उतरते हैं गाड़ी से नीचे और खा के आते हैं एकदम मस्त गर्मा गर्म डोसा। ठीक है, मैंने डोसा और बड़ा ऑर्डर किया है एंड ये उत्तपम। आना आप लोग है कहाँ? आना घर पे बेचारे का ध्यान रखना। देखो जरा स्नेहा को हमने मेट्रो स्टेशन ड्रॉप कर दिया एंड अभी हम लोग निकल आए हैं घर के लिए। क्या कर दिया हमने? दीवार खराब कर दी? पकड़ के रखो। अरे
अभी वहाँ से आने के बाद रुद्रांश का थोड़ा सा होमवर्क पड़ा हुआ था वो करवाया मैंने, एंड उसका होमवर्क डन होने के बाद वो बैठ गया अपना टीवी देखने के लिए। अभी डिनर भी तैयार कर लिया है, सो डिनर में क्योंकि इतनी तो भूख नहीं है, अभी हम लोग खा के आए हुए हैं थोड़ा बहुत तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, तो सोचा ये बोल रहे थे दाल चावल बना लो और गर्म गर्म है तो दाल चावल खा लेंगे। सो यहाँ पर ये इसमें चावल बन गए हैं कुकर में, एंड ये दाल बन गई है, सो ये अरहर की दाल और चावल यही खाएंगे। आज का हमारा डिनर यही है क्योंकि इतना ज़्यादा खाना नहीं है, पेट भरा हुआ है। सो चलिए डिनर कर लेते हैं और इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोगों को किस टाइप के वीडियो मेरे चैनल पे देखना है वो भी बताना। सो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी आगे चल के। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मोबाइल चला रहा है इसलिए थोड़ा सा उसका शोर आ रहा होगा, उस चीज़ को इग्नोर करना है ना। और रुद्रांश कल जाएगा स्कूल, सो उसको अभी डिनर वगैरह देने के बाद उसको सुलाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है, अभी 9 बज रहे हैं, उसको होमवर्क करवाने के लिए बैठ गए थे तो थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता है। बच्चों को अगर ऐसा कुछ होमवर्क करने के लिए बिठा दो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए एंड ख्याल रखिए अपना एंड अपने परिवार का। बाय बाय।